के कंफर्म हो चुकी है विवोर्सन की, जी इट्स बीन लीगलाइज्ड, मतलब हाँ लीगली डिवोर्स हो चुकी है. सो वेरी अनफॉर्चुनेट. माई हार्ट गोज आउट टू सजल बिकॉज आई फील दैट वुमेन बेयर द मोर सीरियस ब्रंट. बट देन ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एनीथिंग अबाउट दिस हसन. इतनी पर्सनल चीज है डिवोर्स किसी की, लेकिन मुझे पता है कि दोनों लोगों के लिए ये बहुत एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होता है. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. आज हम बात करेंगे बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी कपल सजल अली और अहद रज़ा मीर के बारे में. काफ़ी अर्से से इनकी सेपरेशन की रूमर्स चल रही थी, लेकिन सजल और अहद इस बारे में बिल्कुल खामोश थे. लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि इनके दरमियान ऑफिशियली डिवोर्स हो चुकी है. तो वो कंफर्मेशन कैसे हुई और सजल और अहद का अब इस बारे में क्या कहना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में. लेकिन अगर अभी तक आपने आरबी इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर दें. तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ. सजल अली और राहत रजा मीर की मुलाकात हुई एक ड्रामा सेट पे जिसका नाम था यकीन का सफ़र. यहाँ से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ और जिस दिन ड्रामे की आखिरी एपिसोड ऑन एयर आनी थी उस दिन इन लोगों ने अपने फैंस को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई कि ये लोग आपस में इंगेजमेंट कर रहे हैं. लेकिन इंगेजमेंट के कुछ अर्से बाद ही इन्होंने निकाह कर लिया और सजल अली का कहना था कि निकाह जल्दी इस वजह से किया है क्योंकि राहत रजा मीर का कहना है कि वो मुझे खोना नहीं चाहते. शादी के शुरू में सजल अली जहाँ भी नज़र आई अहद रज़ा मीर के साथ नज़र आई. लोगों का ये ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत ही फेवरेट कपल था. लेकिन सजल अली शोबिज़ इंडस्ट्री से एक साल तक कुछ दूर नज़र आईं. उसके बाद इन्होंने वापस से शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया. लोगों के दरमियान इनकी सेपरेशन की खबरें तब ज़्यादा गर्दिश करने लगें जब सजल अली की छोटी बहन सबूर अली की शादी थी लेकिन उसमें अहद रज़ा मीर कहीं भी नज़र नहीं. इस बात को फैंस ने बहुत ज़्यादा नोट किया और क्वेश्चंस करना शुरू किए. लेकिन सजल अली ने कहा कि वो मसरूफ़ थे और वो अटेंड नहीं कर सके किसी वजह से. इसके बाद ज़्यादा बातें तब बढ़ी जब सजल अली की एक आने वाली मूवी खेल खेल में की प्रमोशन और प्रीमियर था लेकिन वहाँ से भी अहद रज़ा मीर गायब नज़र आए. तो लोगों ने फैंस ने ये सारी बातें करना शुरू की कि क्या इनके दरमियान सेपरेशन हो गई है. लेकिन सजल अली ने फिर से उनका मुंह बंद किया और उसने अपने यकीन के सफ़र के साथ जो अहद रज़ा मीर के साथ अपनी एक तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि शायद ये लोग अभी साथ हैं और वाकई में किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके होंगे. अब इनकी डिवोर्स की न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है और सजल अली ने इंस्टाग्राम से और अपने हर सोशल मीडिया के अकाउंट से अहद रज़ा मीर का नाम हटाकर अपना नाम वापस से सजल अली कर दिया है. लेकिन इस खबर को सुनने के बाद इनके तमाम फैंस बहुत ही सैड हैं क्योंकि वो इस कपल को हमेशा एक साथ और खुश देखना पसंद करते थे और वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनकी डिवोर्स की क्या वजह है. सजल अली और अहद रज़ा मीर और इन दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से इस बारे में अभी तक मुकम्मल खामोशी है. लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सजल अली ने दोबारा से जब शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उनकी फैमिली को ये पसंद नहीं आया, लेकिन सजल अली ने कहा क्योंकि ये मेरा करियर है और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ इसलिए मैं वापस से ज्वाइन लाजमी करूँगी. और यही वजह बनी इनके इख्तलाफात की और अब ये बात जा पहुँची है सेपरेशन तक. आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा.